हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद अलीज़ा एंड आई एम शबिस्ता। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन टिक्का करी की रेसिपी, जो बनती है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर्ड। तो गाइज़, आपने चिकन टिक्का तो बहुत बार खाया होगा, बट इसकी करी, आप इस करी को ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ज़्यादा यम्मी बन के तैयार होती है, और एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस करी को हम बनाएंगे बोनलेस चिकन के साथ। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 500 ग्राम बोनलेस चिकन, साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून हमें डालना है यहाँ पर दही, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे लाल मिर्ची, 1/4 टीस्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हमें यहाँ पर लेना है सूखा धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है हमें यहाँ पर नमक, और 1/4 टीस्पून ही हमने यहाँ पर डाला है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, और 1/2 नींबू का रस। और इन सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारे मसाले और स्पाइसेस हैं वो चिकन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो गाइस, 30 मिनट के लिए कम से कम हम चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ले लिया मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और ज़्यादा तेल की हमें ज़रूरत नहीं है। सारे टिक्कों को हम डाल देंगे तेल में। और फ्रेंड्स, ये बोनलेस चिकन है, ब्रिस्ट का होता है, बहुत जल्दी से पक जाता है। तो कम से कम आप 6-7 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लीजिए, और जो टिक्के हैं वो हमें अच्छे से अलट पलट करके पका लेना है। आप चाहें तो कवर करके भी इनको मीडियम फ्लेम में पका सकते हैं। और फ्रेंड्स, 6-7 मिनट या 8 मिनट तक आप टिक्कों को अलट पलट करके पका लीजिए मीडियम फ्लेम में, और जब टिक्के हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो बस गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए, और यहाँ पर हमारे टिक्के एकदम रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, करी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और यहाँ पर मैंने ले ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको बिल्कुल बारीक बारीक हमने काट लिया है। और यहाँ हमें प्याज की प्योरी नहीं बनाना है, और प्याज को हम डाल देंगे तेल में, और 1-2 मिनट तक हाई फ्लेम में अच्छे से हम प्याज को तल लेंगे। और फ्रेंड्स, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, और 1-2 मिनट तक हम अच्छे से लहसुन अदरक के पेस्ट को जो है भून लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 टमाटर की प्योरी। तो गाइज, मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर लिए थे, जिसकी मैंने यहाँ पर बना ली है प्योरी। और इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे ग्रेवी में आएगा बहुत अच्छा कलर, और ये नॉर्मल मिर्ची है जो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डालना है। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून के बराबर भुना हुआ जीरे का पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम डालकर जो मसाला है उसको अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मसाला है उसको कम से कम हमें 8-10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में भूनना है, जब तक कि मसाले में एक अच्छा सा दाना नहीं आ जाए और जो तेल है वो अच्छे से छूट ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मसाला है हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। तो इसी स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर दही, और दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और दही डालने के बाद फौरन हम चलाते जाएंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि जो दही है वो हमारा बिल्कुल ना फटे। और जब दही भी अच्छे से भून जाए और मसाला जो है तेल छोड़ दे, तो इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे टिक्के, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर बनाकर यानी कि तलकर फ्राई करके रखे हैं। तो सारे टिक्कों को हम डाल देंगे ग्रेवी में। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये टिक्के का बहुत ही फ्लेवर्ड ऑयल है, आप इसको भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर तेल नहीं डाल रही हूँ। और गाइस, टिक्के डालने के बाद हम सारे टिक्कों को मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे, और 8-10 मिनट के लिए चिकन टिक्का करी को हम पकाएंगे ढककर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 8-10 मिनट के लिए आप स्लो फ्लेम में जो हमारा चिकन टिक्का है उसको पकने के लिए रख दीजिए, और 8-10 मिनट के बाद आप
देख सकते हैं कितने अच्छे से मसाला और अच्छे से भुन चुका है। तो बस इसी स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मैजिकल सा जो चिकन टिक्का में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नहीं 2 टेबल स्पून के बराबर फ्रेश क्रीम। ये वही क्रीम है जो दूध से निकलती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अमूल की क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं, बट यहाँ पर अमूल की क्रीम की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर की फ्रेश क्रीम से इस करी को बहुत ज़्यादा लाजवाब बना सकती हैं। तो क्रीम को आपको ज़रूर डालना है, और क्रीम डालने के बाद जो चिकन टिक्का करी है उसका टेक्सचर इतना बदल जाएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। मलाई डालने के बाद फ्रेंड्स हम सिर्फ 2 मिनट के लिए चिकन टिक्का करी को पकाएंगे, और बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और पानी का मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर गरम मसाले का पाउडर, और 1/2 टीस्पून के बराबर हमें यहाँ पर डालना है कसूरी मेथी का पाउडर। तो गाइज आप जब भी चिकन टिक्का मसाला बनाएं तो आप कसूरी मेथी को स्किप ना करें, इससे बहुत मस्त और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आता है और करी भी बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। तो यहाँ पर हमारी चिकन टिक्का करी बनकर एकदम रेडी है, गैस की फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। तो फ्रेंड्स इस करी को आप नान, तंदूरी रोटी या फिर अपनी मनपसंद रोटी के साथ इंजॉय करिए। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम्बली रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।